हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक क्राइटेरिया के आधार पर, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर आईडी है एक फील्ड है नेम ऑफ पोस्ट और यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉई है। तो नेम ऑफ पोस्ट में देख सकते हैं कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई इंजीनियर है। तो एक क्राइटेरिया मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे क्लर्क, ये एक क्राइटेरिया मान लीजिए हम ले लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट, और नेम ऑफ पोस्ट में हमें डॉक्टर ही चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे इसी की बात करने वाले हैं। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करता हूँ, डिजाइन व्यू पे आ जाता हूँ और यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए जो सिंबल हम लगाएंगे, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए हम डी प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। हर एक पोस्ट का एक अलग सिंबल होगा और उसके आधार पर हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिंबल लगा लेते हैं, डॉक्टर्स के लिए हम डी प्रयोग करेंगे, इंजीनियर्स के लिए हम ई प्रयोग करेंगे, ठीक है। पुलिस के लिए हमें क्या करना है, पी प्रेस करना है, ठीक है। और इसी तरह से डॉक्टर के लिए डी, फिर क्लर्क के लिए सी, ई प्रेस कर देंगे। इतना कर लेने के बाद इसको सेव कर लीजिए। सेव कर लिया, अब कहाँ चलेंगे हम, अब चलेंगे हम फॉर्म पर, ठीक है। इसको सेव कर दिए हैं, कर दिया है हमने, यहाँ फॉर्म पे आ जाएंगे। ये हमारा फॉर्म बना हुआ है, इसको हम डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं। ये डिजाइन व्यू पे ले लिया हमने, एक फील्ड इसमें हमने नहीं डाली है उसको ले लेते हैं। नाम चेंज कर देंगे हम प्रॉपर्टीज पे जाके, और यहाँ पर नाम देंगे डॉक्टर। अभी हम डॉक्टर को सर्च करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने पहले नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर आएंगे इसका भी नाम हम डॉक्टर कर देते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, ओके। इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल सोर्स पे जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। अभी हम इसमें ऐड करवा लेंगे, ये ऐड करवा लिया, अब वो काम हम बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। ये सिंबल वाला फील्ड ऐड करवाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रखा कर्सर को और यहाँ से प्रॉपर्टी शीट पे गए और यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट, फिर यहाँ पर आई एफ लगाएंगे और अब वो फील्ड ले लेंगे, सिंबल ले लिया। यहाँ पर ये गैप को रिड्यूस कर देता हूँ, गैप देने का कोई मतलब नहीं है। सिंबल ले लिया हमने, अब यहाँ पर सिंबल के बाद क्या करना है आपको, इज इक्वल टू का साइन देना है, क्योंकि हम डॉक्टर्स को तलाश कर रहे हैं और डॉक्टर्स के लिए डी सिंबल यूज हो रहा है। यहाँ पे आप जो भी सिंबल देंगे वही यूज कर सकते हैं। दो पैरेंथेसिस कर दीजिए क्लोज, ओके प्रेस कर दीजिए, ये आपका काम हो गया। यहाँ से जब क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ आपको डॉक्टर्स के टोटल नंबर्स नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पांच, कुल मिला के पांच डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे देखिए फाइव आ रहा है। इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक डॉक्टर, दो, तीन, चार और ये पांच, कुल मिला के पांच ही डॉक्टर्स हैं। इंजीनियर के लिए ई है तो उसमें चलते हैं, यहाँ पर आ गए और यही सेम थिंग हमें कॉपी कर लेना है। हम जो डी सिंबल कर रहे थे उसको ई कर देना है, यानी इंजीनियर्स के लिए ई है तो यहाँ पे सिर्फ आप ई कर दें, ई कर दिया हमने। अब यहाँ से ओके प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर आ रहा है, इंजीनियर्स की संख्या जो है फोर है। ये जो सिंबल आ रहा है लिख करके, इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से जा करके डिजाइन व्यू में जा करके ये सिंबल सिंबल आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक किया हमने, ये डॉक्टर्स के लिए है तो यहाँ पर सिंबल हटा देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर्स और ये इंजीनियर के लिए है तो यहाँ इंजीनियर लिख देता हूँ, इंजीनियर्स, ठीक है। थोड़ा सा इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे, हो गया। बस यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए, अब ये देखिए पांच डॉक्टर्स हैं और चार इंजीनियर्स हैं, क्लियर है, इसमें कोई डाउट। अब एक और फील्ड हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम क्लर्क के लिए भी ये काउंट कर सकें कि कितने क्लर्क हैं। इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी आई एफ लगा दिया, अब यहाँ पे सिंबल ले लेंगे, सिंबल ले लिया, ये जो स्पेस है उसको रिड्यूस कर लेते हैं और यहाँ पे सिंबल देने के बाद फिर से वही काम कि
इज इक्वल टू सी, क्लर्क के लिए सी दिया था हमने, कॉमा दिया, जीरो दिया और ये दोनों पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, ओके प्रेस कर दिया, बस हमारा काम हो गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि दो क्लर्क हैं, चार डॉक्टर, चार इंजीनियर्स हैं, पांच डॉक्टर्स हैं। तो ये इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।